तो हेलो नमस्ते दोस्तों, तो कैसे सब आप लोग। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ महबूब एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल ईवी। तो मेरे ओला को मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है, कुछ इसका लुक चेंज किया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ और क्या क्या आप चेंज कर सकते हो इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओला को। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए दोस्तों बिना मिस किए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बहुत लोग व्यूज़ चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको बटन प्रेस करना है ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये कुछ मैंने ओला पे मॉडिफिकेशन किया है, ज़्यादा नहीं सिंपल में किया है। तो ये वीडियो को मैं 3000 लाइक्स का ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। और हमारे यूट्यूब चैनल का नेम भी इसमें मैंने लगवा है ओला पो। तो आपको कैसे लगा आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए दोस्तों, मैं वेट करूँगा, ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें आप ओला में कर सकते हो, ज़्यादा कुछ मत कीजिए क्योंकि ऑलरेडी जो ओला स्कूटर है वो इतना अच्छा दिखता है कि कुछ भी आप उसमें लिखने से या फिर कुछ और इसमें अल्टरनेटिव करने से वो थोड़ा ख़राब दिखेगा। आप ज़्यादा नहीं टायर पे वगैरह और आपको नाम वगैरह कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। और मैंने उसका सीट कवर भी चेंज किया है तो आप देख सकते हो, सिंपल सा जैसे कंपनी का सीट कवर था तो वैसे मैं एक नया सीट कवर उसको अप्लाई किया हूँ। तो बस ये था वीडियो में कि आपको बताना था कि ओला स्कूटर कैसे लग रहा है, और ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने नहीं किया है इसमें, बस आपको इतना बताना था दोस्तों।